हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शुभी एंड श्री क्राफ्ट आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम DIY क्विट बुक किचन सेट कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें किचन सेट का बैकग्राउंड बनाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कोई भी कलर पेपर ले सकते हो और उसे आप अपनी ड्राइंग बुक में स्टिक कर सकते हो इस तरीके से। एंड देन अब हम यहाँ पर किचन सेट की टाइल्स बनाएंगे। सो इसके लिए हमने यहाँ पर येलो कलर पेपर यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कलर पेपर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड देन हमें इस तरीके से इसे स्टिक करना होगा। तो इस तरीके से हम पहले इस पर गम अप्लाई करेंगे एंड देन हम इसे इस तरीके से स्टिक करेंगे फ्रेंड्स। स्टिक हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर पेन या फिर पेंसिल की हेल्प से टाइल्स ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हमें पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से यहाँ पर टाइल्स ड्रॉ करनी है। एंड फ्रेंड्स, जब आपकी टाइल्स इस तरीके से ड्रॉ हो जाए तब आपको इस पर पेन को भी इस तरीके से पेन से भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। मैंने आपको बहुत से वीडियोस में बताया है फ्रेंड्स कि पहले हमें पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए ताकि हमसे कोई भी मिस्टेक हो तो हम उसे इरेज कर सकें। एंड उसके बाद हमें पेन से यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। तो इसी तरीके से हम पूरी टाइल्स पर इस तरीके से पेन से भी ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम अच्छी तरीके से अपनी टाइल्स को ड्रॉ कर लें तो यहाँ पर हमें एक कलर पेपर का रेक्टेंगुलर पीस चाहिए होगा जिसे हम इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। अब हम इस रेक्टेंगुलर पीस से हमारे किचन का रेफ्रिजरेटर बनाएंगे फ्रेंड्स। सो इस तरीके से हमें यहाँ पर पेंसिल या फिर पेन की हेल्प से ड्रॉ करना होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ड्रॉ होने के बाद अब मैं यहाँ पर इसे पेन से भी ड्रॉ कर रही हूँ। एंड अब हमें कुछ इस तरीके से इसे कट करना होगा। आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से कट करना है। हमें इसे पूरा कट नहीं करना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से कट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर और दो पेपर पीसेस चाहिए होंगे जिन्हें हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड ये हमारे रेफ्रिजरेटर के डोर्स बनेंगे। तो हमें इसे कुछ इस तरीके से स्टिक करना होगा। इसी तरीके से हम रेफ्रिजरेटर के नीचे के डोर को भी स्टिक करेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर कैसे स्टिक करना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टिक होने के बाद अब हम इसे शेप में ट्रिम कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे रेफ्रिजरेटर के डोर्स बन चुके हैं। एंड यहाँ पर हमें इस तरीके के कुछ और पेपर स्ट्रिप्स चाहिए होंगे जिन्हें हम कुछ इस तरीके से स्टिक करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी एक और स्ट्रिप को इस तरीके से स्टिक करेंगे। एंड इसी तरीके से हम नीचे के डोर पर भी इसी तरीके से स्टिक करेंगे।
फ्रेंड्स, अब हमने इसी तरीके से अपने पूरे रेफ्रिजरेटर में स्टिक कर लिया है एंड अब हम इस रेफ्रिजरेटर को किचन के बैकग्राउंड पर स्टिक कर देते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से स्टिक हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हैंडल स्टिक करने हैं एंड देन हमें यहाँ पर एक और स्क्वायर पेपर पीस लेना होगा जिस पर हमें इस तरीके से पेन से ड्रॉ करनी है लाइंस। आप यहाँ पर कोई भी कलर पेपर यूज़ कर सकते हो, जो कलर आप चाहो। और इस तरीके से ड्रॉ हो जाने के बाद अब हमने यहाँ पर इससे वन साइड ही कट किया है एंड इस तरीके से हमें एक और पेपर यहाँ पर कट करना है एंड स्टिक करना है ताकि ये इसका डोर बन सके। एंड इसे भी हम इस तरीके से ट्रिम कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम माइक्रोवेव अवन बना रहे हैं। इस तरीके से स्टिक हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके की लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड देन माइक्रोवेव अवन का हैंडल बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके की पेपर स्ट्रिप चाहिए एंड हम इसे इस तरीके से ग्लू की हेल्प से स्टिक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिक करना है एंड अब हम इस ओवन को अपने किचन बैकग्राउंड पर स्टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर ओवन लिख दिया है एंड इस तरीके से हम इसमें कलर फिल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर कलर फिल करना होगा एंड अब हमारा ओवन भी बनके रेडी है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अपना गैस स्टोव बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्ट्रिप्स को स्टिक करना होगा। एंड हमें इसे अच्छी तरीके से स्टिक करना होगा। अब हम यहाँ पर फायर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं ऑरेंज और येलो कलर की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। आप देख सकते हैं हमें कैसे ड्रॉ करना है एंड कैसे कट करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर फायर को कट कर लिया है एंड इस तरीके से मैं इसे स्टिक करूँगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से फायर स्टिक हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर स्टोव को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। एंड अब हमारा गैस स्टोव भी बनके रेडी है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर इस तरीके का रेक्टेंगुलर पीस चाहिए होगा। कोई भी कलर पेपर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड इसे इस तरीके से हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे एंड ये हमारा रैक बनेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर एक कबर्ड बना के रेडी किया है एंड इसे भी हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर इसे स्टिक कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने येलो कलर पेपर से इस तरीके का एक स्टूल कट करके भी स्टिक किया है। अब हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पेपर पीसेस को अपने फ्रिज पर स्टिक करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ब्रेड रोस्टर मशीन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके के पीसेस चाहिए होंगे पेपर के एंड देन हमें यहाँ पर
इस तरीके का एक पर्पल पीस चाहिए होगा, जैसा कि मैंने कट किया है। अब आप देख सकते हैं हमें इसे किस तरीके से स्टिक करके बनाना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर ब्रेड रोस्टर बना के भी रेडी कर लिया है, जिसे हम स्टूल पर स्टिक करने वाले हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर इस तरीके का एक पीस चाहिए होगा, पेपर पीस, आप कोई भी कलर का पीस ले सकते हैं एंड इसे हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिक करेंगे। एंड इस पर मैंने लिखा है डिशेस, जिसे मैं अभी कलर कर रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। सो फ्रेंड्स अब हमारा किचन सेट बनके रेडी है एंड अब हम इसमें सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हमने अपने किचन सेट में सारी चीज़ें सेट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। और ये किचन सेट बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर इस कबर्ड में कुछ यूटेंसिल्स को इस तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने अपने कबर्ड को सेट कर लिया है और अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे किस तरीके से खेल सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।